नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे जहां कभी न कभी कोई एक बड़ा हादसा इमारत गिरने का चर्चा का विषय बना रहता है। वहीं बात करेंगे विरार नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले इसुब चाल सुपरमार्केट के जो विरार पश्चिम में स्थित है, वहां दो मंजिल इमारत कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। देखिए विरार ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें कि विरार नगर परिषद के अधिकारियों को एक बड़ा कारनामा सामने आया है। जी, हम बात कर रहे हैं विरार परिषद के इसुब चाल में 2003 से दो मंजिल इमारत जर्जर अधिकारियों द्वारा नोटिस देकर इस इमारत के अधिकारियों को तोड़क कार्रवाई नहीं की जाती है। हर साल जर्जर इमारत को नोटिस देकर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जर्जर इमारत में रह रहे लोगों को भय सता रहा है कि कभी न कभी बड़े हादसे का हादसा शिकार हो सकता है, और उसी के साए में, भय के साए में जीने से हर दिन रहवासी रहते हैं मजबूर। इसी जर्जर इमारत की शिकायत विरार नगर परिषद के आयुक्त गंगाधरन व अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल से बार बार इसकी तोड़क की कार्रवाई की जाने की शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगता, क्योंकि अधिकारी कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इसी इमारत में रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर ये इमारत कभी भी गिरेगी उसका हादसा होगा, अगर इसमें जान माल जाता है विरार नगर परिषद के अधिकारियों की होगी। मैं नफीसा जमील सेलिया, हाजी यूसुफ चाल हमारी मालकी जगह है। इस जगह पे दो मंजिला अति धोखादायक इमारत है, जिसे वसई विरार शहर महानगर पालिका साल 2003 से अभी तक हर साल सिर्फ नोटिस देते आई है, पर आज तक इस अति धोखादायक इमारत पर वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अगर भविष्य में इमारत अचानक गिर जाती है तो किसी की भी जान और माल का नुकसान हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी विरार शहर, विरार वसई शहर महानगर पालिका होगी।